नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नित कोई नई गतिविधियां, नई चीजें उभर कर सामने आ रही हैं। हर दिन हरियाणा की राजनीति में कुछ नए पहलू, कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं हरियाणा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी केवल ढिंगरा जी, और दूसरी तरफ मेरे साथ हैं नरेश अरोड़ा जी, जो स्टेट स्पोक्समैन है बीजेपी चंडीगढ़ से। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि हरियाणा की जो राजनीति है इस बार किस करवट बैठ रही है। सबसे पहले ढिंगरा साहब, मैं आपसे बात करता हूं कि कांग्रेस बड़ी अस्वस्थ नजर आ रही है इस बार जीत के लिए, तो क्या लगता है आपको, ऐसे कौन से पहलू है कि जिस वजह से आप अपनी जीत को इतने प्रतिशत बता रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर आप राजनीति अगर चेक करें तो हुड्डा साहब के जो 10 साल का कार्यकाल था उसके अंदर कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने आपको मैं बताना चाहूँगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बने, और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे बने, मेट्रो का विस्तार हुआ, बिजली के कारखाने लगे, और उसके साथ साथ बहुत सारी और सड़कों के जाल बिछे, और कई तरीके की रेलवे लाइंस हरियाणा के अंदर मंजूर करवाई, कई नेशनल इंस्टीट्यूशन मंजूर करवाए। आप वो 10 साल का कार्यकाल देखें और अभी जो है खट्टर साहब का 10 साल का कार्यकाल देखें, जिसके अंदर ना तो कोई इंस्टीट्यूशन बना, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना, ना कोई मेट्रो का एक खंभा भी लगा, ना कोई एक मेगावाट का बिजली का प्लांट का कोई विस्तार हुआ, और ना ही कोई और कोई काम किया गया, ना ही कोई नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो हरियाणा के अंदर आया। अब जनता जो है वो इन सब चीज़ों का आकलन करती है। दूसरे तौर पर जाए तो खट्टर साहब के कार्यकाल के अंदर आप देखिए 2 लाख पद से ज़्यादा जो है नौकरियां, सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। आप ये देखें कि इन्होंने जिस समय हरियाणा के अंदर आए थे 3 बार हरियाणा जला, 3 बार लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए और माथे और छाती पे गोलियां बजी। हमारी देश की पर हरियाणा की जनता है जिनको गोलियां लगी हैं, और कितने ही लोग जो हैं वो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए हैं। उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर लाशों के ढेर लग रहे थे, किसी को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही थी, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं थे, बहुत बुरी हालात में प्रदेश रहा। उसके बाद हम देखें खट्टर साहब की और दुष्यंत चौटाला की दोबारा से सरकार, हालांकि उनके पास पूरे नंबर नहीं दिए जनता ने, फिर भी इन्होंने जिन लोगों ने यह कहा था कि इनको यमुना पार पहुंचाना है उनको हरियाणा के अंदर जो जब 10 सीटें मिल गई तो उन्होंने भाजपा के साथ मिल करके उनकी गोदी में बैठ करके सरकार बनाई और लगातार पैसों की और कई घोटालों की बंदरबांट की, जिसमें चावल घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद का घोटाला हुआ, जिसमें माइनिंग का घोटाला हुआ, कई SITs बनी लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ हरियाणा के अंदर, किसान आंदोलन के अंदर लगातार 3 काले कानून की चर्चा रही और उसके बीच में बॉर्डर बना दिया गया, हरियाणा पंजाब का अलग अलग बॉर्डर हो गया, पूरे देश को बांटा गया आपस में, और बॉर्डरों के ऊपर किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर के पास बैठे। रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पे, देखिए बात यह कि जो चीजें आप बता रहे हैं ये जब जाहिर है सबको पता है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि आप जो कांग्रेस पार्टी है वो अस्वस्थ नजर आ रही है जीत के लिए, तो आप कैसे इस चीज को कह सकते हैं कि आप जीत रहे हैं? मैंने आपको बताया कि 10 साल का हुड्डा साहब का कार्यकाल, जिसमें लोगों के लिए जॉब्स लगी, हरियाणा पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 हुआ, और मैं आपको भाजपा का कार्यकाल भी बता रहा हूं जिसमें हरियाणा लूटा पिटा, और मैं दोनों कार्यकाल इसलिए बता रहा हूं और इसका ही आकलन करके मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हम क्यों उत्साहित है, जनता क्यों उत्साहित है कि भाजपा को चलता करना है। और मैं आपको प्रमाण के और उदाहरण के सहित बता रहा हूं, और एक एक चीज आपको भी समझ में आ रही होगी और जनता को भी समझ में आ रही होगी कि हरियाणा की जनता के साथ बीजेपी ने 10 वर्षों के अंदर कितना कुठाराघात किया है। वही आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी जो 10 साल वाला इतिहास है उसको दोहरा पाएगी कि नहीं दोहरा पाएगी? बिल्कुल दोहराएगी और बड़े अच्छे से दोहराएगी। और केवल जी ये जो सब बता रहे थे उपलब्धियां पिछली, केवल जी अपनी उपलब्धियां बताने में ये भूल गए कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो DLF घोटाला भी इनके वहाँ पे हुआ था, जीजा जी को प्लाट भी इन्होंने बहुत सारे वहाँ पे दिए थे, दलितों के साथ अत्याचार भी बहुत हुआ था,
और जितनी भी जांचें हुई, हर जांच के अंदर जो भी इन्होंने ये बताया ना कि गोलीकांड हुआ या जितने भी आंदोलन हुए, हर आंदोलन को भड़काने में कांग्रेसियों के हाथ रहा है, हर करप्शन में कांग्रेसियों का हाथ रहा है। ये जो अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, किसान आंदोलन में राहुल गांधी ने जाके स्पेशल उनको सपोर्ट की है। दूसरी बात एक बताइए, 4 किलोमीटर बाद चंडीगढ़ शुरू होता है, 4 किलोमीटर बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। यहाँ इनके संबंध रहे आम आदमी पार्टी के साथ, वहां इनका संबंध विच्छेद हो गया। इतनी जल्दी तलाक क्यों हो गया? क्योंकि उनको भी समझ आ गई कि जो वो इमेज बिल्डिंग करने में अपने लगे हुए हैं, इनकी करप्शन वाली इमेज के साथ उनकी खत्म हो जाएगी इमेज। इन्होंने बहुत कोशिश की कांग्रेस ने कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई हमारा समझौता हो जाए। 125 साल पुरानी पार्टी घुटनों पे आ गई और केजरीवाल के साथ दुहाई दी उन्होंने समझौते की, पर उन लोगों ने इनकी करप्शन के एक पूरा रिकॉर्ड के साथ उनसे समझौता नहीं किया। एक मिनट, 19 रेप एक महीने के अंदर, यह रिकॉर्ड भी हुड्डा सरकार का रहा है। केवल जी मुकर सकते हैं क्या इससे? दलितों के साथ अत्याचार, यह रिकॉर्ड भी हुड्डा सरकार के साथ रहा है, क्या मुकर सकते हैं उसको? ये हुड्डा गवर्नमेंट हो, चाहे वो हरियाणा में गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, जितना कांग्रेस की जितना अत्याचार इन्होंने दलितों के साथ किया है, पूरे देश के साथ किया है, करप्शन के जो रिकॉर्ड बने हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है वो। हरियाणा की जनता बहुत समझदार जनता है, सेंटर में जिसकी सरकार रहती है उसी को हरियाणा में वो रिपीट करते हैं, ये आज तक का इतिहास है। तो केवल ये हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं इनको कहूंगा कि अगर रिजल्ट कहीं उल्टे आए तो अपने आप को निराश ना करें। इनका उत्साह देख के मुझे लग रहा है उनको उस दिन निराशा होगी। अरुणा जी देखिए, आज जो सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार आज शाम को 6 बजे खत्म हो रहा है, और चुनाव प्रचार में कौन सी पार्टियां क्या अपना नैरेटिव सेट कर पाई है, ये जो आपने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पे या हुड्डा पे आरोप लगाए हैं, ये तो 2014 में भी आप आरोप लगाते रहे, लेकिन आपका जो 10 साल की अचीवमेंट रही है, क्या वो आप लोगों में लेके गए हैं? क्या उसके 10 साल की जो अचीवमेंट है उनके आधार पर आपने प्रचार किया है, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप की को लेकर चुनाव राजनीति की आप लोगों ने चुनाव? ऐसा है जी, चुनाव प्रचार में दोनों चीजें रहती है, आप वर्तमान के साथ इतिहास को नहीं भूल सकते। जनता जनता जवाब ये मांगेगी कि 10 साल में आपने क्या किया, वो बताना पड़ेगा हमें कि आज भी इनके जो एमएलए के लिए खड़े हुए हैं नीरज शर्मा या एक और, वो आज भी करप्शन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमारे ना पर्ची ना खर्ची, हम इस नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज भी अगर हरियाणा में आज के समय में अगर भर्तियां हो रही हैं तो कोई करप्शन का नाम नहीं लिया जा सकता, पर ये कह रहे हैं कि 50 वोट एक सरकारी नौकरी, अगर मैं जीता तो पहले अपना घर भरूंगा, ये आज भी साबित कर रहे हैं। कैसा जी बयान है उनके, वीडियो है उनके, भारतीय जनता पार्टी ये सर, हाँ, दलितों के खिलाफ ये कर रहे, अपनी नेत्री को अपशब्द कह के ये संबोधित कर रहे हैं, कुमारी शैलजा को। लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी पर खर्ची और पर्ची का आरोप लगाते रहे कि पहले कांग्रेस पार्टी के राज में ये चलता था, खर्ची भी चलती थी और पर्ची भी चलती थी, क्या ऐसा चलता है और अब बंद हो गया है क्या? देखिए, अगर कोई हमारे राज में अगर कोई खर्ची पर्ची चली है तो ये 10 साल सत्ता में थे, इन्होंने किसी के ऊपर कार्रवाई करी है? कोई कार्रवाई हुई है? आपने कोई सुनी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हीं के राज के अंदर अटैची चलते हैं, पर्ची खर्ची नहीं चलती, अटैचियों से भर्ती होती है, और उसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। ये प्रमाण नहीं दे सकते, मैं देता हूं। अनिल नागर डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश को, जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे। अनिल नागर अपने दफ्तर में 3 करोड़ लेते हुए पकड़े गए। आप ये देखिए कि वो भर्ती कर ही नहीं सकते, HPSC का डिप्टी सेक्रेटरी एक अधिकारी होता है, वो भर्ती नहीं कर सकता। भर्ती कर सकता है या चेयरमैन और या फिर मुख्यमंत्री। आप ये बताएं कि वो जो करोड़ों रुपए पकड़े गए वो किसके कहने पे भर्ती हो रही थी? कोई आज तक प्रमाण किसी को मिला? उसको तो जेल भेज दिया गया, लेकिन आज तक उसकी ये इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किसके कहने पे पैसे ले रहा था। और हमारी सरकार आएगी, उसी से ही पूछेंगे
कि भाई किसके कहने पे पैसे लिए थे, तो क्लैरिटी आ जाएगी कि किसके कहने पे पैसे लिए थे, तब उन मगरमच्छों को जेल में भेजा जाएगा, फिर पता लग जाएगा खर्ची पर्ची कौन सी थी। दूसरी बात और बताता हूं, ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसमें एक भारती जी लगाए थे चेयरमैन, उनको सस्पेंड क्यों किया था इन्होंने, क्योंकि उसके अंदर बंदर बांट हो रही थी, अमाउंटों की खेल चल रहा था, और उनको सस्पेंड इसलिए भी किया गया, और उसके जो नीचे कर्मचारी और जो लोग थे उनको जेल भेजा गया करप्शन के चक्कर में। इन्होंने ही भेजा जेल में, क्यों भेजा, क्योंकि एचपीएससी के अंदर भी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर भी करप्शन चल रही थी, फिर सस्पेंड किया गया। कुछ देर के बाद उनको जानबूझ के, क्योंकि इन्होंने एक मामले को उसके ऊपर चादर बिछा के उसको बंद करने का काम किया, और उसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई, और वो बेचारे बच्चे तो अभी भी जेल में थे, और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन उसको बहाल करके दोबारा लगा दिया गया। आप बताइए, दिस इज ए पॉलिटिकल पोस्ट, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। एचपीएससी का चेयरमैन तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड थोड़ी होता, वो तो डिसमिस हो जाता है, और उसके बाद उसको क्लीन चिट करके दोबारा से लगा दिया गया। ये तो है इनकी खर्ची पर्चियां। आप सुनिए, दूसरी एक और है इसके साथ साथ, हरियाणा के अंदर भर्ती ना करने के लिए आज 2,08,000 भर्ती क्यों खाली पड़ी है सरकारी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट लाया गया इनके द्वारा, उसका नाम था हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसमें रोजगार निगम नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ साथ ही डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022, आप उसको निकाल के देखिए, उसके ऊपर हेड जो है वो है डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022। आप लोग दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हो क्लर्कों को, पटवारियों को, रोडवेज कर्मचारियों को 16-18 हजार में आप उनको दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हो। एक बस ड्राइवर जो बस चलाता है, अगर आप उसको दिहाड़ीदार मजदूर बनाओगे, अगर वो बस वही किसी जगह पे एक्सीडेंट कर देता है तो जिम्मेवारी किसकी है, हरियाणा रोडवेज की जिम्मेवारी किसकी है? ये लोग भाजपा वाले इस तरह की शरारत करके 1,20,000 का दम भरते हैं, हालांकि वो पुराने टाइम बंसीलाल के लोग भी जो, और इनके चौटाला बीजेपी के लोग भी, और हमारे टाइम के भी कुछ कंट्रेक्चुअल जो थे 50-60 हजार जो टोटल मिलकर के थे, उसके साथ 60 हजार और ऐड करके 1,20,000 जो है डिप्लॉयमेंट का दम भरने वाले जो बीजेपी वाले लोग हैं, ये हरियाणा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं सीधा। और दूसरी बात है कि इन्होंने और करी कि दमाद वाड्रा जी को और दमाद जी को वो दी अपना जमीन ने दी। आप मेरे को एक जमीन का नाम और जगह बता दे कौन सी दी, मैं जो कहोगे यहां से आपको जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। ये झूठ बोलने की भाजपा की नीति, सुन लीजिए, मैं इनके बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये जो इन्होंने बात कही ना कि वाड्रा को जमीन दे दी, मुझे उस जमीन का नाम बता दे कौन सी जमीन दी और कहां पे दी हरियाणा की हुड्डा सरकार ने। जमीन कहीं ना दी ना ली ना कोई बात थी, ये झूठ का जुमला बीजेपी लगातार छोड़ती है। और हेराल्ड कहां का है, क्या है नेशनल हेराल्ड पेपर कहां पे है? अरे भाई, हरियाणा की जमीन की बात कर रहे हो आप, हरियाणा में हेराल्ड की जमीन की बात, हरियाणा में नहीं है वो, नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड कहां पे है? सुनिए सुनिए, उसका केस क्या है केवल जी, एक सेकंड बता, नेशनल हेराल्ड, भाई बताने को वही बता रहा हूँ, प्लीज बताइए, बताता हूँ। नेशनल हेराल्ड जो है नेहरू जी का लगाया हुआ जो अपना पत्रकार थे, पत्रकारिता का सिस्टम है हमारा, वो नेहरू जी का लगाया हुआ है, और जो जमीन थी वो पुरानी अलॉटेड थी, पुरानी अलॉटेड उस जमीन का, एक मिनट सुनिए, आपको मालूम नहीं है ना, आपको समझ होनी चाहिए इस चीज की, वो पुरानी अलॉटेड जमीन थी, उसको अगर रिज्यूम से बहाल करना जुर्म है, तो आप बताइए इंडियन एक्सप्रेस की जमीन को बहाल क्यों किया गया, आप बताइए ना मुझे, पैसा थोड़ी ले जाएंगे, मैंने हमने तो जमीन दी, हमने जमीन दी या सोनिया जी ले जाएंगे, गलत बात कर रहे हो आप, हमने कोई जमीन किसी को दी नहीं, हमने ये कहा अरोड़ा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, रैलियां की हैं मोदी साहब ने हरियाणा में, चुनाव प्रचार के बारे में, चुनाव प्रचार की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, रैलियां हुई, रोक प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, चुनाव की रैलियां हुई हैं हरियाणा में, रैलियों में मोदी साहब ने जो बात की है, तो आप मुझे बताइए कैसा असर रहा है लोगों पे, क्योंकि उन्होंने जो भी बात की है, पेंशन की बात की, बेरोजगारी की बात की, बाकी बात, वो बातें उन्होंने पिछले 10 साल पहले हुड्डा सरकार की बातें की, लेकिन 9.5 साल जो मनोहर लाल खट्टर के थे वो खा गए,
उसकी उपलब्धियों की बात ही नहीं करते हैं। आप वहां पे आइए ना, मैं तो बात करता हूं कि जो ये आपका पिछला समय गया है, मोदी साहब ने भी रैली में एक बार भी पिछले 9.5 साल के जो कार्यकाल था उसकी बात नहीं की है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए मोदी सरकार के जो भी उपलब्धियां, देखिए हरियाणा देश का हिस्सा तो है ना जी, जी मोदी सरकार प्रधानमंत्री हैं, अगर वो बात सेंटर की कर रहे हैं तो हरियाणा का व्यक्ति भी उससे अफेक्टेड होता है जी। अगर आयुष्मान सबके लिए दिया गया है तो उससे हरियाणा का व्यक्ति भी इफेक्टेड होता है। अगर रोड का पैसा दिया गया है तो हरियाणा का व्यक्ति उससे इफेक्टेड होता है। तो मोदी सरकार ने मोदी गारंटी की बात सब जगह की है। और ये बताइए कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री हमारे सैनी साहब होंगे ऐसी बात नहीं की, पर आपने क्या उनसे सवाल किया कांग्रेस से कि आपने अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं की? अगर आप हुड्डा के टाइम की इतनी उपलब्धियां आपने बता रहे हैं, हुड्डा जी को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं करते हैं? तो मोदी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री की भी बात की, अपनी मोदी गारंटी की भी बात की, और आने वाले भविष्य में हरियाणा का भविष्य कितना उज्जवल रहने वाला है उसकी भी बात की। और जो पॉलिसीज अभी नायब सिंह सैनी सरकार के रहते हुए उन्होंने घोषित किया है उसका फंड पूरा का पूरा मिलेगा, ये भी उन्होंने अब उस वादे को दोहराया है। तो क्या वो नायब सिंह सैनी की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, रैलियों में से गायब है, पोस्टरों में से गायब है, विधान आपके लोकसभा चुनाव आते हैं आपके मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लोकसभा चुनाव आते मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर थे, खैरपुर मुख्यमंत्री हैं, वो रैलियों से गायब है, वो पोस्टर से गायब है। कारण क्या, उनका 9.5 साल का जो कार्यकाल था वो सही नहीं था? ऐसा नहीं है, अब वो लोकसभा देख रहे हैं तो विधानसभा में उनका ऐसा कुछ प्रोटोकॉल रहता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और ये हमारे ये हमारे संगठन की अपनी एक रूपरेखा है कि किस नेता को कैसे कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है और कहाँ पे उनकी उपयोगिता है। मनोहर लाल खट्टर जी का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, तो हरियाणा के इलेक्शन में कई काम कई जिम्मेवारियां उनके पास हैं जो वो अभी बखूबी निभा रहे हैं, वो हरियाणा के साथ अटैच हैं, उनकी प्रमुखता हमेशा हरियाणा रही है, हरियाणा के लिए वो मार्गदर्शन अभी भी हमारी टीम को कर रहे हैं। तो अरोड़ा साहब देखिए, आपने चुनाव प्रचार आज जैसे खत्म हो रहा है, आपने 2019 में जो चुनाव प्रचार किया था उसमें एक नैरेटिव एक नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि आपकी बार 75 बार, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव आया 2024 में उन्होंने आपने आपकी पार्टी ने एक नारा दिया कि आपकी बार 400 बार, लेकिन अब की बार आपने जो जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, ना कोई आंकड़ा बताया, ना किसी तरह के इस तरह का कोई नारा दिया, सिर्फ मोदी जी ने यह कहा कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, उसका क्या मतलब समझे? क्या सिर्फ 45 या 45 चाहते हैं आप, क्योंकि बड़ा आंकड़ा आपकी बार आपने सेट नहीं किया कि इतने, क्या समझे चुनाव प्रचार में, क्या लोग ये समझे कि आपकी बार कहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्या समझती है अपने कि कितनी सीटें आएंगी? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर सेंटर की तरह सरकार बनाएगी यहाँ पे, और फुल मैच्योरिटी से बनाएगी, अपने दम पे सरकार बनाएगी जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। जिस कॉन्फिडेंस से आपने पहले जो आंकड़े से के साथ नारे दिए थे, इस बार उस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे लगता है इलेक्शन नहीं सेट किया। इलेक्शन में नारे बदलते भी हैं और काम करने के तरीके भी बदलते हैं, तो हो सकता है कि इस बार हमारी स्ट्रेटेजी का वो पार्ट ना रहा हो कि वैसे करना, पर तीसरी बार हम लोग सरकार बना रहे हैं और हरियाणा की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, ये कंफर्म है। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को खड़े, आप कहाँ कितने 55+ आप कहाँ कांग्रेस को खड़ा पा रहे हैं हरियाणा में? देखिए हरियाणा के अंदर भाजपा जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है और पूरे बहुमत से आ रही है। हम आंकड़े नहीं देते, हम झूठी बातें नहीं करते, हम लोगों को बरगलाते नहीं, फुसलाते नहीं, बहलाते नहीं, हम लोगों को असलियत दिखाते हैं और काम करके दिखाते हैं। हम विकास के ऊपर वोट मांगते हैं, हम अपने काम को काम के ऊपर लेकर जाते हैं, हम इस तरह की कहानियां नहीं सुनाते। ये जो कहानियां सुनाया करती है ये भाजपा के, वो जो आपने कई कहानियां सुनी होगी भाजपा किस तरह के लोग आते थे लूट करके भाग जाते थे, वो भाजपा कहानियां सुनाती है। अब भाजपा का कहानीकार जो है वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि जनता को समझ आ गया
गया कि कहानीकारों का टाइम नहीं है, अब जो है जनता को विकास चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, उनको सिस्टम चाहिए, उनको इन इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है कि फलाना क्या कर रहा है और फलाना क्या कर रहा है। आज मोदी जी सिर्फ यही कह रहे हैं बार बार, कांग्रेस निकम्मी थी, कांग्रेस बेकार थी, कांग्रेस ये थी, ये कहने से काम नहीं होता। कांग्रेस के विकास को देखना पड़ता है। कांग्रेस ने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचने का काम कर दिया, उनको उनके हवाले करने का काम कर दिया। हमारी जो पार्टी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और भाजपा की जो पार्टी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचती है, और वो भी ऐसे नहीं मुफ्त में बेचती है, पहले उनको लोन देती है, बाद में उनके 16-16 लाख करोड़ के लोन माफ करती है। तो भाजपा जो है पूंजीपतियों के साथ इस तरह के काम करती है। करप्शन की भी जो पूरी लिस्ट है वो कि कौन कौन बेल पे चल रहा है, कौन कौन जेल पे चल रहा है, वो भी बता देते प्लीज। चिंता मत करिए, भाजपा की बारी, वो भी बता देते। विराम देना चाहूंगा। तो दोस्तों देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। अगर आपका कोई सुझाव है, आपका कोई मैसेज, आप हमारे मैसेज बॉक्स में जाएं और हमें मैसेज करें। ढिंगरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरोड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।